सुल्तानपुर से बड़ी खबर। 33 साल बाद बाइज्जत बरी हुआ राजकुमार। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहा था राजकुमार। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के बयान से मुकर जाने पर किया बरी। कोर्ट ने झूठी गवाही देने पर पीड़िता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश किया जारी। 7 अक्टूबर 1988 का है मामला। राजकुमार पर लगा था गांव की एक नाबालिग का अपहरण करने का आरोप। प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर में महुली गांव का रहने वाला है राजकुमार। कुड़वार थाना क्षेत्र में एक गांव से नाबालिग का अपहरण करने का लगा था आरोप। सुल्तानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर में महुली गांव में रहने वाले राजकुमार को 33 साल बाद अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम एडीजे कल्पराज सिंह ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला अपहरण और दुष्कर्म की पीड़ित नाबालिग लड़की के गवाही देने से मुकर जाने के बाद सुनाया है। इतना ही नहीं, अदालत ने झूठी गवाही देने पर पीड़िता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। ये मामला 7 अक्टूबर 1988 में कुड़वार थाने में एक गांव से जुड़ा हुआ है। उस वक्त पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता के तहरीर पर प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर के महुली गांव में रहने वाले राजकुमार हलवाई, मुनव्वर, सुधीर और राजकुमार के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज किया था, लेकिन राजकुमार लगातार कोर्ट की सुनवाई में गैर हाजिर रहता गया, जिसके बाद उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया और अब जाकर ये कार्रवाई हुई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।